Hey, hi guys. So today we will be covering CA Richa Shah, who has cleared her CA in 6 attempts. So she will be discussing what are the mistakes that she has made during this journey, and what are the struggles she has faced, and how she overcome everything, and what you can learn as a viewer if you are giving your exams this time. Okay, so that can really help you. ठीक है रिचा, आप जो भी मोड में आप कंफर्टेबल हो यू कैन टेल. यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो हाय गाइस, मैंने मेरा एग्जाम्स में फर्स्ट स्टार्टिंगली एक एक ग्रुप क्लियर हुआ है, बट मेरा मेन इतना अटेम्प्ट लगना मेन था मेरा लेजीनेस। मैंने रिटर्न टेस्ट कुछ नहीं किया था। रिटर्न प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है और टेस्ट सीरीज भी देना इम्पोर्टेंट है। आरटीपी एमपीटीपीस भी करना चाहिए। और सेकंड कि हम सम्स जो करते हैं ना तो ऑडिट कर लेते हैं, फिर एग्जाम में लगता है कि हमें सब आता है, बट वो नहीं इम्पोर्टेंट है। बट आपको रिटर्न एक बार आप करोगे, आईसीए का जो फॉर्मेट होता है सम्स का, एसएफएम स्पेशली जो होते हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, एग्जाम्स के टाइम जो हम इवनिंग में आके ऐसे लगते हैं थक जाते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, तो हम बहुत स्टडी नहीं करते, बहुत लिबरल दे देते हैं ऐसा, और फिर सोचते हैं मॉर्निंग उठ के पूरा दिन पढ़ेंगे। वो नहीं, वो जो एग्जाम के डे आके इवनिंग में जो होता है एफ आर के आके दूसरे दिन एसएफएम का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1.5 डेज ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, जो मैंने पहले नहीं करती थी। बट मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट में जब मेरा एग्जाम्स क्लियर हुआ तो मैं फुल ऑन शेड्यूल था कि एग्जाम्स दो, लाइब्रेरी जाओ, वापस मॉर्निंग में उठ के लाइब्रेरी जाओ, फुल ऑन स्टडी करना था। आप घर पे भी कर सकते हो, बट लाइब्रेरी में एक एटमोसफियर पड़ता है कि घर पे हम अकेले पढ़ते हैं तो वो अलग ही होता है, और लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट, एक एटमोसफियर मिलता है। आप वहाँ पे ग्रुप स्टडी तो वो सब भी कर सकते हो। आपका, जैसे मैंने देखा कि यू आर वर अ गुड स्टूडेंट. ओके, आपका क्लास 12 एनसीपीटी एंड इवन आईपीसीज यू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. तो अचानक से आपका जैसे इतना अटेम्प्ट जब लगता है तो यू फील लिटिल शॉक्ड. ओके, एट द बिगनिंग राइट, लिटिल शॉक यू फील दैट, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में अच्छा गया था आईपीसीसी. तो व्हाट वाज दैट फीलिंग एक्चुअली, कि आपको जब लग रहा था तो व्हाट वाज दैट फीलिंग फॉर यू? स्टार्टिंग में इट वाज थोड़े टाइम लगता है नर्वसनेस। हाँ, आईपीसीसी मेरा मैंने डायरेक्ट एंट्री लिया इसलिए हुआ, बट उससे पहले मेरा था अटेम्प्ट, नो डाउट, एक अटेम्प्ट था, एक क्या है वो। बट सीए फाइनल में इतने अटेम्प्ट तो आई छोड़ देते हैं, बट फिर सोचते हैं कि क्यों स्टार्ट किया ये जर्नी, सीए बनना ही है। बीच में हुआ था ये अटेम्प्ट, में लास्ट मेरा मैंने जब दिया तब मैंने सोचा था कि मैं नहीं हुआ तो मैं सीपीए कर लूंगी, बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसे अंदर से होता है, फिर वापस फाइट बैक करना ही पड़ता है। मेन सोचना है कि हमने क्यों ये स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है। सीए ऐसे लगता है कि फिर नहीं होगा कुछ, अटेम्प्ट मैटर करते हैं बहुत कुछ, बट ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। अटेम्प्ट सबको इतने मैटर्स नहीं करते। आप एक बार सीए बन जाओगे, आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स वो सब इम्प्रूव कर लोगे, तो आप इजिली आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सी होते हैं वहां पे आप वर्क कर ही सकते हो, वो लेवल पे आ ही जाते हो। जॉब का तो दिक्कत नहीं आएगा फुली, तो वो एक टेंशन रहता है. पर जब आपका अटेम्प्ट होता है तो क्या क्या टेंशन आता है, किस तरीके का थॉट्स आता है आपका, मतलब होता है ना, व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर एग्जाम. हाँ वापस पढ़ना, एक ही चीज वापस पढ़नी, वही वो इंपॉर्टेंट चीज है। ये वापस पूरा पढ़ना, अमेंडमेंट देखना, थोड़े टाइम एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो बहुत नर्वस आते हैं। मेन फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स ऐसे बनाओ कि जो आपको हेल्प करे, ऐसा नहीं कि क्या कर पाओगे। और सोसाइटी का तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए, सोसाइटी वाले बोलते रहते हैं, वो बहुत बोलते हैं कि यार क्या करना है ये सब, बट इट्स बेटर कि आप अपना सोचो, आपने स्टार्ट क्यों किया है, आपका पेरेंट्स का सोचो, एक रीजन होगा आप इसलिए आपने ये जर्नी स्टार्ट की होगी, तो मेन रीजन वो सोच के फिर आप कंटिन्यू करोगे। वापस एक दो दिन डिप्रेस होते हो, घूम के आ जाओ मस्त, फिर वापस स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आपने यूट्यूब में कौन से कौन टीचर्स को क्या फॉलो किया था, क्या स्ट्रेटेजी था उस पे एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का? ग्रुप 1 के लिए मैं मोस्टली मेरा क्लासेस लिए थे प्रवीण शर्मा सर के, तो मैं उनको फॉलो करती थी, बट यूट्यूब में इतने नहीं थे फिर वो, तो लास्ट एग्जाम्स टाइम मैंने आकाश कंडोई सर को देखा था। सेकंड, एसएफएम के लिए मयंक कोठारी सर की जो बुक्स थी वो मैंने ऑर्डर की थी और उससे किया था, तो अच्छा बेनिफिट मिला था। ऑडिट्स के लिए मैंने सानिध्य सर और पंकज गर्ग, और लॉ में सानिध्य सर और एक सर थे मैं भूल गई नेम, उनका भी बहुत मस्त था। मनोज ऐसे मैं पेंड्राइव वीडियोस सब देखती थी। लॉ लॉ के लिए
सानिध्य सर थे और एक नाम मैं भूल गई, वो सर भी अच्छे थे, उनका भी एक बहुत कंसाइज बुक थी, आप लास्ट मोमेंट में बहुत इजीली वो कर सकते थे कवर। ओके और मेरे ग्रुप टू के लिए ग्रुप टू के लिए कॉस्टिंग तो संकल्प कास्टे सर, देन इकोनॉमिक लॉ तो सानिध्य सर थे, उनकी जो इंडेक्स बुक्स वो सब था। सेकंड बीबी सर मैंने देखा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए राजकुमार सर, उनके क्लासेस लिए थे मैंने। मैं आपको क्या दिक्कत, आपको गलती क्या कर रहा था, मतलब आप रिटर्न प्रैक्टिस इतना नहीं कर पा रहा था, दैट वाज द मिस्टेक, हाँ, इज इट? रिटर्न प्रैक्टिस सेकंड इंटरनेशनल मेरा सेकंड ग्रुप इसलिए इसलिए क्लियर नहीं हुआ, एग्रीगेट में नहीं होता था, और सेकंड मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया था, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा होता है। आप इकोनॉमिक लॉ, मुझे इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं पाता, तो मैंने इकोनॉमिक लॉ में जब कन्वर्ट किया फिर मेरा हो गया था। उसमें एग्जाम से आना इजीली है कंपेयर टू ये, तो उसमें एग्जाम से ना फिर मेरा हो गया क्लियर। तो आपने कन्वर्ट कराया था, वो आपके लिए सही साबित हुआ। कुछ कुछ सब्जेक्ट हर किसी का वीक होता है, तो आपने फिर चेंज करवा लिया इंटरनेशनल टैक्स से हाँ इकोनॉमिक इकोनॉमिक लॉ। ओके या ग्रेट, तो उससे आपको बेनिफिट मिला दैट। अब वो जब कैसे क्लियर हुआ आपका सेकेंड ग्रुप, एक ग्रुप क्लियर होते दूसरा ग्रुप आपको क्लियर हो गया फिर ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस मिला था, राइट? एक राइट अटेम्प्ट के बाद। हाँ। तो हाँ हाँ, तो जिसका जैसे अगर दो अटेम्प्ट रहा, मतलब वो कंटिन्यूअसली अगर अपना दे रहा है फाइनल, दोनों ग्रुप उसका बाकी है, तो अगर उसको ऐसे भी सोच सकता है वो कि अगर उसका एक ग्रुप अगर निकल गया तो इट इज मोर देन 75% जॉब इज डन, फिर एक ही ग्रुप बचा है, फिर तो निकल ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो दैट कैन ऑल्सो बी द मोमेंटम दैट यू हैव टू कीप, कि अगर आपका दोनों ग्रुप अगर बाकी है तो आपको, मेरे हिसाब से मैं भी अगर आपका दो ग्रुप बाकी है तो मेरा मानना है कि अगर आप एक बार तो दो दो और देखो कि आपका निकल रहा है, नहीं निकल रहा है आपका दोनों ग्रुप तो इट इज बेटर टू गिव वन ग्रुप। आई फील कि आप एक ग्रुप दो, क्योंकि आप दो ग्रुप दोगे फिर से तो फिर आपका वही दिक्कत आ जाएगा कि आपको काफी सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा, तो एक ग्रुप दीजिए। अगर आप एक ग्रुप दे के भी फेल होते हो तो डेफिनेटली दो ग्रुप दे के भी फेल ही हो गए, ऐसा चांसेस तो नहीं है ज्यादा। ना, ऐसा नहीं है, सेट ऑफ कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सेट ऑफ इतना इजी नहीं है कराना, पर बहुत रेयर केसेस में सेट ऑफ होता है आई फील ना, तो सेट ऑफ कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप एक ग्रुप देके भी अगर फेल हो रहा है तो जनरल हाई चांसेस है कि आप दो ग्रुप देके भी फेल ही होगा। आई डोंट थिंक सो कितना केसेस में सेट ऑफ होता है, बहुत ही रेयर केसेस में सेट ऑफ होता है, तो आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है कि आपका सिलेबस आप कर पढ़ पा रहा है, तो एक ग्रुप मेरे को देना। अगर आप स्टार्टिंग में एक दो दोनों ग्रुप दो या दो दो, दो ग्रुप करके देते रहो, अगर आपका निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है देन आई थिंक सो एक ग्रुप दीजिए, जो भी आपको कंफर्ट लग रहा है दोनों में से, जो भी आपको ज्यादा इजी लग रहा है वो दे दीजिए, और उसको देते रहिए देते रहिए देते रहिए देते रहिए, अगर वो निकल गया तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा, वो निकल गया फिर आपका एक ग्रुप रह जाएगा। क्योंकि मेरा वही मानना है अगेन कि अगर आप दो ग्रुप दे रहे हैं आप नहीं निकल रहा है, एक ग्रुप दे रहे हैं नहीं निकला, इसका मतलब ये भी है कि आपका दो भी देता तो नहीं निकलता, तो आपका एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी फीस, एग्जामिनेशन फीस बच गई आपका। तो सही है, बट स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेंट है ना, एक स्ट्रेटेजी में भी हाँ दोनों ग्रुप नहीं जा रहे हैं तो स्ट्रेटेजी चेंज करके देखना चाहिए एग्जाम की हाँ स्ट्रेटेजी। वो भी जरूरी है हाँ, एग्जाम स्ट्रेटेजी वगैरह तो आप देख सकते हैं, पहले एक ग्रुप दीजिए और उसको अच्छा से कवर, पहले तो दोनों ग्रुप ही दीजिए और सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए दोनों सब्जेक्ट का, और फिर देखिएगा दोनों ही नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है, फिर आपको एक ग्रुप पे आना पड़ेगा और एक ग्रुप क्लियर करने का कोशिश करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसके पीछे राइटिंग प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीट नहीं होना और राइट मेमोरेंडम, आरटीपी नहीं करना, मॉक पेपर्स नहीं करना, तो दीज आर द मेजर रीजन, टेस्ट सीरीज नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, एग्जाम को एग्जाम का तरह नहीं लेना, एग्जाम से पहले आपको पेपर भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, आपने किया था पेपर सॉल्व वैसे? हाँ किया था, किया था। हाँ, तो वो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस एग्जाम इज वेरी डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जाम्स यू हैव गिवन अर्लियर। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम का टाइम पे से पहले आपको एग्जाम देना बहुत जरूरी है, अगर आप डायरेक्टली अगर एग्जाम में बैठ जाएंगे बिना एग्जाम दिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू माइट एंड अप इन बिग ट्रबल, बिकॉज आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हो सकता है पेपर टफ आ जाए, आपको थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा रहेगा, पर आप एग्जाम से पहले एग्जाम दे चुका रहेगा तो आपका नर्वसनेस कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ अच्छा रहेगा, नर्वसनेस कम रहेगा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, तो आप आपका हाथ जल्दी से चलेगा, नहीं तो हाथ चलता नहीं है वो, जो आप बता ना आपके साथ भी एक बार बोलता राइट कि यू गेट ब्लैंक ड्यूरिंग द हाँ एग्जाम्स राइट, तो वो चीज एक तो मैंने देखा है कि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम देना बहुत जरूरी है,
जनरली ये गलती सबको ही करता है, और ये गलती क्यों करता है, मेरे को लगा प्रोक्रेस्टिनेशन इज वन ऑफ द रीजंस, आलस आता है एग्जाम से पहले एग्जाम देने का, ये एक बहुत रीजन है, और ये इसलिए आपको एग्जाम देना जरूरी है एग्जाम से पहले। और मेरा एक और एक सजेशन ये भी ये रहेगा कि आपका कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आप भूलेगा ही भूलेगा, तो सिलेबस इज सच दैट ओके। तो जितना भी आपका अच्छा से हो रहा है ना एग्जाम का टाइम में, आप उसमें ध्यान दे के उसका तो प्लीज ऐसे कोशिश करिए कि जो चीज आपको अच्छा से आता है वो आप ना भूले नहीं एग्जाम का टाइम में, और उसको अच्छा से लिख लीजिए। और मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, तो मेरा एक दोस्त ने मेरे को एक ही चीज बोला था कि तुमको जितना भी आ रहा है ना, मतलब तुम उतना ही पढ़ो जितना तुम एग्जाम में याद रख सके। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर किया था, तो हम उसको पूछा था कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर अप करेगा, बहुत बड़ा सिलेबस था दैट टाइम, तो हाउ टू कवर सच अ बिग सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। तो वो बोला था मुझे कि आप उतना ही याद करो यहाँ पर मैं, और उतना ही कवर अप करने का कुछ कर जितना आप एग्जाम का टाइम में भी याद रख सके विद इन दैट 1.5 डेज, बिकॉज अगर 1.5 डेज में अगर आप वो कवर अप नहीं कर पा रहे जितना याद किया ला, तो आपका वेस्ट हो सकता है टोटल टाइम। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जन बहुत चीज पढ़ लेता है पर 1.5 डेज में कवर अप नहीं कर पाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1.5 डेज को कैसे मैनेज किया था, लाइक इट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना 1.5 डेज। 1.5 डेज में मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, लाइक मैंने जो पढ़ा था और मेरा जो पक्का जो मेरा जो एकदम वीक जो था वो मैंने टच नहीं किया था, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे वो मैंने पहले से लेके फिर और पूरा स्टडी किया था, और वहाँ पे आरटीपी एमटीपीस भी कवर की थी, वो मेन था कि वो भी कवर होना चाहिए 1.5 डेज में, और जो भी एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस और जो है शेड्यूल्स का जो जो भी था टॉपिक्स मेरे जो स्ट्रॉन्ग थे वो सब कवर होना चाहिए, वैसे मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बना के किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 1.5 डेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, आई थिंक वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो बिकॉज ही अगर मेन हाँ होता है। वही मेन होता है ठीक है। तो वो अगर अगर आपका खराब चला गया तो उस समय मेरे हिसाब से एक एक सेकेंड एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम आप सो नहीं सकते हैं, उस टाइम आप रेस्ट नहीं कर हाँ सकते हैं, दैट इज द टाइम, उससे पहले जितना सोना है आप सो लीजिए। मैं अगर हंड्रेड मेरे परसेंट आपको अगर नींद करना है ना, अगर आपको नींद अच्छा से करना है तो आप वो एग्जाम से पहले जितना नींद करना है कर लीजिए, उस टाइम आपको नींद और हेल्थ और जो भी चीज हो सकता है वो सबको अवॉइड करना पड़ेगा। आपका हो सकता है उस टाइम आप बुखार भी आएगा, एनीथिंग कैन हैपन, उस टाइम मेरे पेन साथ किलर खा ऐसा लीजिए, हुआ था, होगा आपके साथ मेरे होगा तीन सबके साथ अटेम्प्ट में होगा। मैं एग्जाम्स में मेडिसिन लेके जा रही थी, मेरे तीन ऐसे अटेम्प्ट्स भी गए कि मैंने पूरा ग्रुप दिया था तो पूरे पूरे ग्रुप में मेडिसिन लेके गई थी, मेन वो भी एक हाँ इफेक्ट था कि मैं फेल हुई हूँ, मेरे अटेम्प्ट्स लगे, मेरे अटेम्प्ट्स पर मेन हेल्थ के हाँ वजह से ज्यादा है। डेफिनेटली, बट द थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो आपका जो समय होता है जो एग्जाम का टाइम में, आप थोड़ा बहुत तो बीमार पड़ेगा ही, दैट इज वेरी कॉमन, इवन विथ मी इट वाज वेरी कॉमन एंड इट इज कॉमन विथ एवरी सेक्शन। जनरली जो दोनों ग्रुप देता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, चार ग्रुप के बाद हाँ उसका हालत खराब हो जाता है सेकेंड ग्रुप आते आते, तो उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होता है, और आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि एक एक दिन डेढ़ डेढ़ दिन का गैप है, अगर आप रेस्ट कर लेगा तो पैसे फेल हो गया। अगर आप रेस्ट कर लिया वो 18 डेज में, यू आर नॉट इन द पोजिशन टू रेस्ट, एंड दैट इज द एक्चुअली वही सबसे बड़ा आपका स्ट्रेंथ होना पड़ेगा कि आपको एज अ मशीन उस टाइम काम करना है थ्रू आउट दिस 8 डेज। एंड दैट इज वाई उस टाइम आप मेरे हिसाब से आप अगर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं तो आती आरटीपी और एमटीपी और बाद ईयर क्वेश्चन आंसर्स फटाफट सॉल्व करने में था, तो जल्दी जल्दी अगर सॉल्व कर लेगा ना, और थोड़ा थोड़ा लिख लेगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेगा और रिलैक्स लेने का कोशिश करेगा, यू जस्ट हैव टू बी रिमेन लिटिल रिलैक्स ऑल्सो ठीक है। आपके लिए अगर 1.5 दिन है तो हर जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए 1.5 दिन ही है, ये पद बोली, अगर आपके लिए 1.5 दिन है तो हर इंसान के लिए 1.5 दिन है, अगर आप नहीं सो रहे हैं तो हर कोई इंसान जो पास हो रहा है वो भी नहीं सो रहा है, तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि आपको वो समय आपको ऐसे सोचना पड़ेगा सबके पास 1.5 दिन ही है, उनको बस इतना करेज रखना है कि हमको नींद नहीं करना है, और कोशिश ये करना है कि जितना हो सके कवर अप करने का कोशिश करना है। एंड दैट टाइम आई थिंक सो व्हेन आई गिव क्लास 12 एग्जाम, ये कॉलेज का जब हम एग्जाम देता था तब क्या होता था ना, एग्जाम का जो दिन होता था ना उस दिन हम नहीं पढ़ता था, ऑनेस्टली मेरे को लगता था नजर लग जाए, नहीं पढ़ता था, शो ऑफ करने के लिए होता है ना थोड़ा सा कि आई वाज अ गुड स्टूडेंट ठीक है। सो ऑनेस्टली बोले ना, सीए का एग्जाम ही ऐसा है कि एग्जाम था आई फेल्ड कि वहां पर में एक एक मिनट का कीमत होता है, इवन इनफैक्ट ओके एग्जाम का जब एकदम पेपर जब बैठ रहा है ना एग्जाम में बैठ रहा है उससे पहले भी पढ़ रहा था, क्योंकि वो एक चीज होता है कि क्यों ये वैसे मेरे को क्यों लगा कि जब क्लास 12 कॉलेज था तो हमको हम पढ़ रहा था मार्क्स पाने के लिए, लाइक 90% 95%,
सीए का एग्जाम में एक्चुअली आदमी पढ़ता है पास होने के लिए, तो वो एक डर था पहले बार हमको। एक मेरा अपना बताऊं तो पहले बार मेरे को एक डर था कि हाँ हो सकता है, देयर इज अ हाई चांस दैट आई कैन फेल। उससे पहले फेल हुआ नहीं था कभी, तो देयर इज अ हाई चांस आई कैन फेल। तो वो एक ट्रिगर बच गया था, पता नहीं क्यों। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, आई वॉज नॉट द सोशल मीडिया सेंट्रिक। एक अंदर से एक डर था कि इट इज पॉसिबल कि आई कैन फेल, और वो कारण से हम लास्ट मोमेंट तक पढ़ा, और लास्ट मोमेंट तक पढ़ने के कारण वो बच गया। इनफैक्ट अगर हम कॉलेज, हम लोग जब जब जाते हैं एग्जाम में, तो हम लोग जो कोई बस में जाता है, कोई इसमें जाता है, इवन दैट उस समय पे जो भी हम पढ़ा ना, वही चीज आ गया। समझ रहे? जिसको लॉ का एग्जाम था, तो हमको लॉ में 40 मिला था, और 4-5 मार्क्स का पेनल्टी आ गया था। और एक चीज मेरे को जो अजीब लगा, आप लास्ट मोमेंट में जो होता है ना, मेंशली आपका जो लास्ट का 3-4 आवर्स होता है, उस समय आप कुछ भी टॉपिक लेके पढ़ लिया ना, यू विल बी एबल टू रिटेन इट इन द एग्जाम इफ इट कम्स। तो लास्ट का अगर मान के चलिए, आपका लास्ट का तो 3-4 आवर्स होता है ना, लास्ट का 3-4 आवर्स, हो सकता है आपने कोई चैप्टर किया नहीं हो, लाइक सेबी का चैप्टर नहीं किया, कोई भी एक चैप्टर नहीं किया, आपको लग रहा है कुछ चीज इंपॉर्टेंट लाइक पेनल्टी या सेक्शन नंबर या प्रोफेशनल एथिक्स कुछ भी है, आपका अच्छा से नहीं होके रखा है, लास्ट का 3-4 आवर्स में आप अगर कर लेगा ना, आपने भले ही कुछ भी नहीं किया हो लाइफ में कभी भी, उसको लेके कोई न्यूमेरिकल्स पकड़ के कर लेंगे, लाइक पेनल्टीज, स्पेशली पेनल्टीज वगैरह कुछ भी हमको टाइम में होता था, अभी क्या आता है पता नहीं, पर अगर कोई नंबर्स वाला आप करोगे कोई भी चीज, यू विल बी एबल टू रिटेन इट इन द एग्जाम इफ इट कम्स। तो वहां पर मैं ये चीज याद रखना है कि आप लास्ट का जो 3-4 आवर्स होता है, अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ना सिलेबस, आपका लिखना भी हो गया, तो कुछ नया टॉपिक्स भी आप पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट एक चैप्टर है, आपने एक चैप्टर पूरा ही छोड़ा है, आपको लग रहा है 3-4 क्वेश्चन आने का चांसेस है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम का अगर 3-4 आवर्स पहले अगर कुछ भी पढ़ता है, यू विल बी एबल टू रिटेन दैट, हाई चांस है। ऐसे भी आपको नथिंग टू डू सिचुएशन है। तो मेरे साथ हुआ था हाँ ये, आई थिंक सो, मैंने वो लास्ट का 3-4 आवर्स पढ़ा था, उसमें हमने 10-15 मार्क्स अर्न कर लिया था इन द एंटायर 8 सब्जेक्ट्स। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक एक मिनट कीमती होता है, और जितना पढ़ लो उतना कम होता है। तो आप वो जितना, तो हाँ, ये चीज मैंने और नोटिस किया कि आपको लगे भाई मैं तो बहुत कुछ पढ़ लिया, पर पेपर इस तरीका का बन के आता है कि आप जितना पढ़ लो उतना कम है आपके लिए। तो मेक श्योर कि आप ना वो जो 1.5 दिन है ना, वो 1.5 दिन आप ना एक एक मिनट का इज्जत कर लो। अगर आप वो 1.5 दिन का एक एक मिनट को अगर इज्जत कर लेना, अगर आपने अच्छा नहीं पढ़ा ना पूरा साल, आपने प्रिपेयर भी अच्छा नहीं किया 60 दिन, पर आप वो 1.5 दिन का अगर इज्जत कर लिया ना, रियली में इज्जत कर ली, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, एक एक मिनट का आपने इज्जत कर लिया, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी और इंक्रीजिंग दैट यू माइट पास विद अ गुड नंबर ऑल्सो। एंड अगर वो 1.5 दिन का इज्जत नहीं किया ना, आपने पूरा साल पढ़ लिया, इट कैन बी ऑपोजिट। तो दैट 1.5 डेज इज एक्चुअली आई फील कि इट कैन बी वेरी द गेम इम्पोर्टेंट. चेंजर, इट इज अ गेम चेंजर। तो वो 1.5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो 1.5 दिन में कोई फ्रेंड से डिस्कस मत करिए कोई भी चीज, यू डोंट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हियर एंड देयर, दैट इज वेरी, वो आपको ज्यादा करके बैकफुट में डाल देगा। पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी पेपर डिस्कस मत करिए, एंड मेक श्योर कि आप एक चीज आप कर सकते हैं जो आप शायद अग्री करें, आई डोंट नो, बट मान के चलिए आपने लॉ का एग्जाम दिया या कोई भी दिया, एटलीस्ट अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर लीजिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू डिड नॉट डू इट, पर नहीं मैंने करना किया है, नहीं चाहिए. मेरे करना चाहिए क्या? मेरे साथ अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि ओके, ऐसे SFM का हुआ, तो मेरा पूरा, तो मैं ट्राई कर सकती थी एग्जेम्पशन लाना किसी में. अभी वो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप फोकस करो, नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप एग्जेम्पशन ला सकते हो. आके वो पेपर को डस्टबिन में डालना चाहिए. मैं तो ऐसा ही बोलूँ कि उसको देखना नहीं ओके, चाहिए कभी, क्योंकि एग्जेम्पशन भी है ना. आपका वो पेपर अच्छा नहीं लगा तो आप ट्राई करो, वो दूसरा पेपर को तो निकाल सकते हो ना. नहीं मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे अगर मान के चलिए हम क्या करता था, हम किसी से डिस्कस नहीं करेगा, पर हम मोटा मोटी चेक कर लेता था पास हो रहा है कि पर नहीं खुद हो रहा है। आप वो चेक करोगे, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या सोचोगे, अभी अटेम्प्ट तो पूरा गया, कोई काम है नहीं, अटेम्प्ट तो हम जाने दो, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ेंगे. तो नहीं जो देखिए, दूसरे पेपर हम होते हैं, समझ गया आपका बात, ये बात हम आपका बात समझ गया। देखिए बच्चा को पता चल जाता है वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, पेपर देखे एकदम गंदा गया तो पता ही फेल होगा, तब तो पेपर चेक करने का दरकार ही नहीं है। भोजन का क्या, तो 50-50 चांसेस होता है कि वो 40-50 से ऊपर लाएगा, बिकॉज अगर आप पता चल गया मोटा मोटी पास हो रहा है, तो यू आर इन द गेम, डिस्कस मत करिए, पर नहीं मोटा ऐसा मोटी होता है ना. मेरे एक सम किया है आपने, लाइक बड़ा समय, सपोज CFS का समय रेट,
और एक दो एडजस्टमेंट या जो मेन वाली आपने लगा उस आपने राइट की और आप वो चेक करने गए तो आपका रॉन्ग हो पूरा गया, ही रॉन्ग वो डीमोटिवेट हो हो जाओगे गया, ना। वो तो बात हाँ सही तो है। स्टार्टिंग से आप हो जाओगे। ये बात कुछ हद तक सही भी है, पर कुछ हद तक डिपेंड करता है किस तरीके का आपका स्टूडेंट है। कोई कोई को कैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि पास हो रहा है ना, अगर वो सोच रहा है कि फेल हो गया तो फिर दूसरा एग्जाम क्यों देखे, क्या करेगा। तो ये कारण से सोचना ही थोड़ा नहीं देख ना सकते, पेपर के हाँ बारे में, पेपर के तो बारे में डिफिकल्ट होता सोचना है। ही नहीं। एग्जाम लिखा खत्म, दूसरा टॉपिक, अभी जो सब्जेक्ट है वो फोकस करो और ये करो, वो सोचना ही हाँ नहीं है खत्म। एग्जाम के बाद पूरा जो सोचना हो सोचो आफ्टर एग्जाम्स। हाँ वो भी है, बहुत डिफिकल्ट होता है वो। आप कैसे करता था एकदम नहीं सोचना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। आके थोड़ा रेस कर लो या माइंड फ्रेश करो, जो भी अच्छा लगता है, साइकिलिंग अच्छा लगना है, जो भी अच्छा लगता है आधे घंटे वो करो, फिर अच्छे से और सो जाओ, सबसे बेस्ट है, और फिर वापस स्टडी करने लग जाओ। कितना घंटा सोता था कोई एग्जाम से आके? मैं अभी आके एग्जाम्स के आके मैं तो साइकिलिंग करने जाती थी, मुझे नहीं आती थी, और फिर मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। तो मतलब कितना, 2-3 घंटा सो के मतलब नहीं नहीं फ्रेश? एग्जाम फ्रेश होने में आधा घंटा वो करती थी, फिर लाइब्रेरी जाती थी, और फिर वापस आके स्टडी करके फिर रात को जल्दी सो जाती थी, 11:30 वैसे। हाँ नहीं जैसे 5:30 बजे एग्जाम खत्म होता है, 5:30 तक आप घर हाँ पहुंच गया, फिर आप पढ़ने कब हाँ बैठता था? 5:30 बजे ब्रेकफास्ट है 6:30, 6:30 सॉरी, तो 1 घंटा ही आप करता था बस, रिलैक्स। गुड, हाँ वेरी गुड, नाश्ता करके वो सब कर, हाँ स्नैक्स वेरी गुड, करके। वेरी हाँ गुड, वेरी गुड। 6:30 विच इज गुड। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं कि हाँ जितना हो सके टाइम बचा के नहीं सोचने का, ना आपका वो जिस दिन तरीका का, जल्दी बट सो मेन जाने का चीज है 11:30 वैसे। वेरी गुड। तो वही जो आपका 1.5 डेज है वो आपका बहुत मैटर करेगा, उसमें कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी पढ़ ले। एक चीज और है, लाइक आप वो जो 1.5 डेज था उसमें लाइक आपके तो फटाफट पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, लाइक व्हाट वाज योर मेन थिंग स्ट्रेटेजी दैट टाइम? सब्जेक्ट वाइज लॉ है तो आके मैंने वो ये मेरा ये जो अटेम्प्ट क्लियर हो ना उसमें किया। वो पहले तो मैं 1.5 में तो आके तो मस्त बिंदास से फ्री होती थी, घूमती थी, वैसा करती थी, वो दूसरे दिन पढ़ती थी। बट ये अभी जो एग्जाम्स का मेरा स्ट्रेटेजी चेंज किया, उसके अंदर मैं आके लॉ था तो मैंने डायरेक्टर्स के चैप्टर जो मेन मेन टॉपिक होते हैं ना, तो दूसरे दिन बर्डन भी कम होता है, और उसके और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, एग्जाम के दिन वो आप वापस रिवाइज भी कर सकते हो, तो जिसका वेटेज ज्यादा है आप दो बार कर सकते हो, ऐसा टारगेट रखा था। तो लॉ है तो आगे डायरेक्टर्स के चैप्टर्स के नहीं तो वीडियोस देख लो, समरी नोट्स पढ़ लो, फिर वो दूसरे जितना पोर्शन इम्पोर्टेंट हो ना हो आके कर लो कंप्लीट, तो दूसरे दिन आपको रिवाइज भी करना मिलेगा, छोटा छोटा भी होगा, और वापस वो रिवाइज भी कर सकते हो। और आजकल तो टीचर्स लोग रिवाइज का रिवीजन वीडियोस यूट्यूब में डाल ही देते हाँ हैं वो डेढ़ आ ही दिन में, तो जाता है। आपको इतना डिफिकल्ट है ही नहीं मतलब वो करना भी। ये वाला आपने जो बोला ना अभी जस्ट कि आपने 1.5 दिन जो स्टार्टिंग में क्या क्या थॉट होता है ना कि आप इतना मतलब होता है तो इधर उधर कर ली, ये चीज बहुत जन का मैंने सुना है, ये थोड़ा थोड़ा हो जाता है इंसान से, ये बहुत ये तकलीफ बाद में देता है कहीं ना कहीं, ये मैंने देखा है। क्योंकि जो 1.5 दिन है ना अल्टीमेटली हमको जितना हम देखा है, आई हैव सीन द स्टैट्स ऑफ पीपल, ओके पूरा साल मत पढ़ो, मोटा मोटी पढ़ो, लास्ट का 50 दिन ठीक है आपने मोटा मोटी पढ़ के मतलब हो गया, पर जो 1.5 दिन है ना उस दिन वो 1.5 दिन आपका बहुत मायने देता है। वो 1.5 दिन अगर आपने बेस्ट अपना दे दिया ना और टाइम इधर उधर भी नहीं लगाया ना, यू कैन डू मैजिक, आई हैव सीन पीपल नहीं, डूइंग मेरा ये थोड़ा थिंकिंग क्या सा। था पहले कि हाँ मैं जो पढ़ती हूँ ना, एग्जाम के आके जो अगले दिन फिर और सुबह पढ़ा ना, वही मुझे याद रहता है, उसके पहले का कुछ याद नहीं रहता है, मेरा ऐसा ओके थिंकिंग था। पर ओके फिर हाँ मैंने चेंज किया और फिर ऐसे बनाया कि वो आके भी पढ़ूंगी और एग्जाम के भी दिन वो जो पढ़ जो हाँ एग्जाम के आके वो ये दोनों बहुत पार्ट मैटर इतना जो करता इम्पोर्टेंट, है, वैसे बहुत मेरा जरूरी है, बहुत स्ट्रेटेजी है, जरूरी। मेरा बहुत सिलेबस ही फियर था कि मैं कंप्लीट आके पढ़ के मतलब ही नहीं है, वैसा था। कर, मेरा मेरा हमको अभी भी याद है मेरा SFM का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, आई रिग्रेटेड दैट, मेरा मार्क्स कट गया था उसके कारण, और डायरेक्ट टैक्सेशन भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, बिकॉज 1.5 दिन में होता ही नहीं है कंप्लीट, कैसे करता है जो हाँ पढ़ के गया जो पढ़ा वो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया विद इन जो दैट पक्का 1.5 है डेज, फोकस करो, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं टॉपिक पे फोकस करो। तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था विद इन दैट 1.5 डेज, जो 1.5 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ये मेरे को भी रिग्रेट अभी भी है कि हो नहीं पाता, क्योंकि आप ना आप पूरा कोशिश करेगा कि फास्ट हो फास्ट हो फास्ट हो, पर कहीं ना कहीं आप स्लो हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। तो मेरा ये SFM में हुआ था प्रॉब्लम, अकाउंट्स तो पहला एग्जाम अच्छा से जाएगा और ज्यादा करके प्रॉब्लम यही आएगा सबके साथ, SFM में प्रॉब्लम आएगा, सेकेंड ग्रुप सेकेंड सब्जेक्ट हमेशा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पहला एग्जाम तो आप अच्छा से देगा क्योंकि आपको टाइम मिल गया मोटा मोटी, सेकेंड एग्जाम थोड़ा सा आपके लिए ये पहला बार होगा कि 1.5 दिन का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा कि कैसे करके सिस्टम, फिर लॉ तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि अब तो फटाफट भागना है, यू आर नॉट इन द पोजिशन टू डू ए नॉनसेंस, कुछ भी आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं।
लॉ ऑडिट उसे पकड़ लेगा। पर आपको एसएफए में ये दिक्कत मेरे को तो बहुत ज्यादा आया था कि हम, और मेरे को ये चीज था, पर एक चीज और है, अगर आप डेढ़ दिन में जो पढ़ा आप लिख देगा, आप डेढ़ दिन में नहीं पढ़ा ना, आपने पूरा साल पढ़ लिया वो और नहीं वो डेढ़ दिन में नहीं रिकॉल पढ़ा, करता तो एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाता है। हाँ सो वो तो एक्चुअली यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम, एंड ये मेरे को बहुत अजीब सा लगा था कि ऐसे में मेरे साथ हुआ था, 10 मार्क्स चला गया था, तो आई कुड हैव गॉट एग्जेम्पशन, बट वो नहीं हुआ था, तो मेरे को तकलीफ हुआ था। मेरे को ये बात समझ में आ गया कि अगर मैंने अभी डेढ़ दिन में अगर नहीं कंप्लीट किया तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम, तो दैट वाज अ थिंग दैट आई आल्सो इंप्रूव्ड। तो ये चीज भी लोगों को समझना पड़ेगा कि डेढ़ दिन जो दे रहा है आपको, तो डेढ़ दिन को बहुत अच्छा से इस्तेमाल करिए। नींद में भी कुछ याद करने थे करते रहिए याद, पर मेक श्योर दैट वो डेढ़ दिन का आप इज्जत करिए। एंड आई एम टेलिंग यू ना, मिरेकल्स कैन हैपन इन एग्जाम। और एक और चीज मेरे को लगता है आपको एक और चीज ध्यान देना चाहिए कि देख लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका हो सकता है कोई एग्जाम आपका आप लेट से पहुंचो, मेरे को लेट हो गया था एक एग्जाम, लाइक डायरेक्ट टैक्सेशन, तो हो सकता है आप लेट से पहुंचो, हो सकता है आप 10 मिनट लेट पहुंच जाओ, डोंट पैनिक, मेनी पीपल पैनिक, आपके साथ हुआ है इस तरीका का, इतना छेवा आपने दिया कभी हुआ, पर ये किसी के साथ कभी ना कभी हो सकता है कि आप नहीं लेट से पहुंचो एग्जाम में, आपका बस मिस हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, ट्रैफिक आ जाए, मेक श्योर क्या पैनिक नहीं हो, आप लेट से पहुंचेगा कुछ नहीं है, पेपर टाइम जो बोलता है ना, जो आपको 15 मिनट मिलता है वो आपका स्किप हो रहा है, और कुछ नहीं आप पेपर थोड़ा कम लिख लेगा 5-10 मिनट, पर डोंट पैनिक एंड देन ऑल्सो यू गिव योर एग्जाम यू विल पास। तो मेरे को पूरा उसमें वही था कि हम फेल होगा फेल होगा, लकली आई पास इन दैट एग्जाम ऑल्सो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो डेढ़ दिन में पैनिक मत करो। और एक और चीज मेरे को और मेन लगता है जो प्लानिंग चीज, हाँ प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, और वो 3 घंटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको 3 आवर्स मिल रहा है जस्ट बिफोर द एग्जाम, सॉरी 3 आवर्स और लिखने का टाइम मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी काफी ज्यादा है कि आपको जो पहला घंटा में 33 मार्क्स, देन सेकेंड आवर में 33 मार्क्स अगेन, एंड लास्ट आवर में 33 मार्क्स अगेन। यहाँ पर मैं भी पैनिक भोजन कर देता है कि पहला जो 1 आवर होता है उसमें स्पीड नहीं इंक्रीज कर पाता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्पीड इंक्रीज करना है, क्वेश्चन पेपर नंबर सही लिखना है, रोल नंबर वगैरह में गलती कर देता है, मैंने भी किया है कि जो होता है ना रोल नंबर जो बॉक्स करना होता है, अभी क्या क्या सिस्टम है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पर में भी आप मिस्टेक्स ना करो, क्योंकि वो होता है एग्जाम से पहले, कि वो आप काफी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, तो वो एग्जाम का टाइम है आपका, एग्जाम में जल्दी जल्दी पेपर कम, और एग्जाम पेपर कंप्लीट करना बहुत बड़ा, अगर आपको अच्छा से आता है ना सब चीज, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा एग्जाम में पेपर कंप्लीट करना। हाँ वो तो है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं है इतना, पर अगर आपको सब कुछ अच्छा से आता है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आप पेपर अपना कंप्लीट कर लेगा ना, हाई चांसेस आप इंक्रीज कर रहे हैं क्या पास हो जाएगा, हाँ वो है 100%। हाई चांसेस आप पेपर पास हो जाएगा। एंड ऑल्सो ये थिंग, अगर तो वो है। सम और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मान के चलिए एसएवएम अकाउंट या कोई भी सब्जेक्ट इस तरीका का आता है, तो मेक श्योर कि आप अपना आंसर को हाथों हाथ ही चेक कर लो, तो इट कैन हेल्प। वेट मत करो कि लास्ट मोमेंट में चेक करेगा, लास्ट मोमेंट टाइम नहीं मिलेगा, आप जब हाथों हाथ चेक कर लेगा, और एक एक छोटा सा मिस्टेक आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, तो कोशिश ये करें कि पहला 2-3 सम जो भी होता है हाथों हाथ ही चेक कर लो, एडिट कैलकुलेटर लगा के, कि योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि अगर आपका सिली मिस्टेक अगर स्टार्टिंग में ही हो गया तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, उसके बाद स्केलिंग हो सकता है इंस्टीट्यूट द्वारा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला 2-3 क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट आप प्रॉपरली चेक कर लो अपना कैलकुलेटर लगा के, भले पूरा पेपर आप बाद में धीरे धीरे चेक कर सकते हैं, बट दैट फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, बेस्ट होना चाहिए वो आंसर आपका, क्योंकि आपका वो आंसर डिसाइड करेगा उसको, क्योंकि आपका जो पेपर चेक करेगा आपका उससे इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, वर्किंग नोट्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए पहला 2-3 क्वेश्चन में, ठीक है। आपको कोई और कोई सजेशन, लास्ट कोई 2-3 सजेशन आपको देना है, लाइक विच कैन बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम लास्ट मोमेंट, अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं आरटीपी इम्पोर्टेंट, स्पेसिफिक आरटीपी आरटीपी एमसीक्यूज तो करने चाहिए। एमटीपी सेकंड, जो एग्जाम का टाइम होता है ना, तो पहले से प्रिपेयर करके रखो कि अभी एसएफएम करना है, जो एग्जाम के एफआर के एग्जाम के बाद मैं 1.5 डे कैसे प्लान करूंगा, वो पहले से करना चाहिए। बिकॉज आके एग्जाम के बाद लोग सोचते हैं कि अब मैं क्या पढ़ू, कैसे स्टार्ट करूँ। वो पहले से आपके पास स्ट्रेटेजी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्ट्रेटेजी बहुत है मेन एग्जाम के दिन। वही है कि आपको पता नहीं होगा, आप सोचने में आधा टाइम चला जाएगा क्या पढ़ोगे। उससे बेटर आप सोच लो कि ये मैं आऊंगा तो 6:30 ऐसे ये सब्जेक्ट ये टॉपिक पढ़ूंगा, इतना से इतना ये पढ़ूंगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, रिटर्न के रिटर्न प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में तो जस्ट प्रैक्टिस, आपको समझ रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है, लो यू सब। सेइंग कि रिटर्न प्रैक्टिस भी जरूरी है 1.5 डेज में,
मेरे को भी नहीं लगता ही उसमें है तो लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो सम से लाइक एक एक कुछ टॉपिक्स कुछ के कर सकता है, सम्स कर लो। एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स कर सकता है। हाँ पर हाथ चलना चाहिए आपका एग्जाम से पहले, स्पेशली जो पहले बार दे रहा है उसका हाथ, वो पता नहीं वो चलाया नहीं अपने हाथ को, तो जो पहले बार दे रहा है उसको हाथ चलाना जो जरूरी है, कि आपका हाथ नहीं तो फ्रीज हो जाता है एग्जाम से पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में। पेपर पेन देख लीजिए, पेपर चल पेन पेन कैसा है, पेन का क्वालिटी चेक कर लीजिए, पेन भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अच्छा पेन होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा दाम का भी पेन मत खरीद लीजिए, चलता ही नहीं है, तो ऐसा लीजिए जो इजी हो आपको, आपको जल्दी चलाने में इजी हो, पतला पतला पेन जो चलाने में थोड़ा इजी रहे आपका हाथ को दोहराने में, क्योंकि क्या होता है ना आपको जब 1 घंटा रहता है ना एग्जाम से पहले, उसमें आपको हाथ को बहुत फास्ट चलाना पड़ता है, तो पेन पेन का क्वालिटी बहुत मैटर करता है, जितना पतला पेन रहेगा आप जल्दी लिख पाएगा, मोटा पेन आप चला नहीं पाता आपको, तो वो सब चीज भी मेरे हिसाब से काफी काम करता है। पतला पतला पेन जल्दी सब चला पाएगा उसको, अगर मोटा निब का पेन रहेगा तो यू यू विल फेस डिफिकल्टीज, को चलाने में दिक्कत आएगा आपको फास्ट, तो आपका हाथ वो चल, स्पेशली थ्योरी आंसर को फटाफट लिखना आंख बंद करके एग्जाम के टाइम में, तो इट रियली हेल्प्स कि आप थोड़ा सा पेन पहले से यूज, वही पेन यूज करो जो आपको एग्जाम से पहले, तो आपको भी इजी रहेगा, नहीं तो ऐसा होना नहीं कि पेन पेन ही नहीं काम कर रहा है, और आप पेन भी तो 4-5 रख लीजिए, कैलकुलेटर पहले से यूज कर लीजिए, कैलकुलेटर भी 2 रखिए एग्जाम से पहले, डेफिनेटली हेल्प्स, कैलकुलेटर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बार कैलकुलेटर गलत आंसर देने लग जाता है, चेक कर लीजिए अपना कैलकुलेटर कैसा है। आई थिंक इट वॉज ग्रेट एंड लॉट ऑफ डिस्कशन यू गेव, आई विल जस्ट एड वन थिंग दैट यू जस्ट सेड ना, कि आपने जो सेकेंड पॉइंट क्या बोला था वो, कि कुछ बोला था कि वो प्लान कर लो राइट, तो यू शुड बी प्लानिंग हाँ दैट श्योर 1.5 डेज वेरी वेल। आई फील या कि ये बहुत अच्छा चीज है, आप जैसे एस एफ एम है या अकाउंट है या ऑडिट है, तो हम लोग का टाइम में ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट था, आज का डेट में भी यही होगा आई गेस, अभी भी है, ठीक है अभी भी अभी है। भी है राइट, तो आप पेरेटो एनालिसिस लगाइए 80-20 रूल, अगर हम लोग का टाइम में एस एफ एम में डेरिवेटिव्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस तरीका का सब्जेक्ट से ही बल्क ऑफ द क्वेश्चन आ जाता था, इनफैक्ट मेरा टाइम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से 30-30 मार्क्स का आ गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ट्रेंड देखिए कि कौन सा चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, अब वो चैप्टर आप पहले खत्म करने का कोशिश करिए, इंक्लूडिंग आरटीपी एंड एमटीपी, हो सके तो स्टार्टिंग में ही ले लीजिए आरटीपी, आई वुड सजेस्ट आरटीपी क्वेश्चन पेपर यू पहले ही ले लीजिए और सारा गो थ्रू कर लीजिए, इससे क्या होगा आरटीपी से तो 100% आ ही जाता है, आरटीपी से तो 100% मोटा मोटी केसेस में आ ही जाता है बहुत ज्यादा, तो आरटीपी आपका पहला दिन ही कंप्लीट हो जाएगा, एमटीपी हो जाएगा, आपको फ्लो मिल जाएगा सारा चैप्टर का, आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि आपका चैप्टर छूट रहा है, और उसके बाद आप पहले तो आरटीपी एमटीपी खत्म कर लीजिए, पहला दिन ही अगर खत्म कर लेके 3-4 आरटीपी का 3-4 क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, उसके बाद आप जो मेजर चैप्टर है ना जो उसमें आपको पता है यहाँ से बहुत बल्क ऑफ द क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट करिए, ये नहीं कि वैसा चैप्टर पकड़ लिए जिससे बहुत कम मार्क्स का चैप्टर आता है तो वो आपका गड़बड़ हो जाता है, तो वो स्ट्रेटेजी लगा के चलिए। और अनदर थिंग दैट यू कैन रियली वर्क अपॉन आई फील, कि आपको पता है कि 18 आवर्स है आपका एग्जाम से पहले या 15 आवर्स है, 15 आवर्स में आपको 100 मार्क्स लाना है, तो हर घंटा आपको 6 आवर्स का पढ़ाई करना है, 6 मार्क्स के लिए पढ़ाई करना है नियर अबाउट, तो दिस कैन बी अनदर स्ट्रेटेजी दैट यू विल स्टे दैट यू आर अहेड ऑफ द गेम और यू आर नॉट अहेड ऑफ द गेम, यूनिटरी मेथड जिसको बोलता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जैसे आपको पता चल रहा है तो आपके पास मान के चलिए 15 आवर्स है, आपको एग्जाम से पहले 15 आवर्स है, आपको अर्न कितना करना है 100 मार्क्स अर्न करना है, नियरली 6 to 7 मार्क्स यू हैव टू अर्न राइट, तो अगर आप ये सोच से लगेगा तो 1 घंटा में मेरे को ये अगर चैप्टर करता है जिसका वेटेज है 16 मार्क्स का, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील सुपरबली कॉन्फिडेंट कि मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिया जिसका वेटेज मेरा जो आवरली रेट है 6 मार्क्स अर्न करने का, मैं 17 मार्क्स का चैप्टर कर लिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जाम, मेंटली आप स्ट्रांग रहेगा, और आपको क्योंकि आपको हमेशा ही लगे जब 1.5 दिन का समय टाइम रहता है, 1.5 डेज का जो टाइम रहता है उसमें आपको हमेशा यही डर लग रहता है, एम आई टू स्लो, एम आई बी एबल टू कंप्लीट दिस सिलेबस फुल, वो हमेशा टेंशन रहेगा, ये आपको भी आया होगा कहीं ना कहीं तो आया होगा, कभी ना कभी ये सिलेबस ये टेंशन होता है कि 1.5 दिन में आप वो कंप्लीट कर पाएगा पूरा सिलेबस को, 1.5 दिन में होगा, हम स्लो तो नहीं है, आपको फ्रेंड को फोन करने लग गया और फ्रेंड आपको टेंशन दे दिया, नहीं मैं तो सारा हो गया तुम्हारा नहीं हुआ क्या, तो और ज्यादा टेंशन आपको आ जाएगा, तो उसने फ्रेंड को फोन नहीं करके आप देखिए कि आपको हर आवर कितना मार्क्स अर्न करना है, उस तरीका से आपको स्ट्रेटेजी रखेगा, एंड यू राइट इट डाउन कि मैंने इतना मार्क्स का कंप्लीट कर लिया, इतना मार्क्स कंप्लीट कर लिया, इतना मार्क्स कंप्लीट कर लिया, तो यू विल बी इन द गेम इन दैट वे, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, आई होप कि और भी कोई स्ट्रेटेजीज होगा तो वी विल डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन, और आपका कोई डाउट होगा टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू सो मच रिचा।
for coming and you are sharing all your strategies, and I think this will really help a lot of people out here. Thank you.